कवि कला संगम परिवार के नेतृत्व में रविवार को सोमेश्वर रोड स्थित उपमन्यु हॉल में साहित्यकारों का दशहरा मिलन और बोध कथा संग्रह नामक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधी साहित्यकार निर्मल मंगवानी ने की। कार्यक्रम का आरंभ भगवान श्री गणेश पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ। वहीं ककस संस्थापक सुनील चोरे उपमन्यु ने उपस्थित सभी सदस्यों को तिलक लगाकर स्वागत कर कहा कि हम बुराई को छोड़ अच्छाई को अपनाएं और मिलन सरिता का माहौल परिवार में देश में व्याप्त करें। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सीता जोशी द्वारा लिखित और जयश्री तिवारी के सहयोग से प्रकाशित बोध कथा संग्रह का विमोचन भी किया गया। जयश्री तिवारी ने कहा कि सीता जोशी 99 वर्ष की है और उनकी इच्छा थी कि उनकी पुस्तक प्रकाशित हो। बता दें, इस पुस्तक का प्रकाशन रंग संस्कृति भोपाल यतीन्द्र अत्रे प्रकाशन से हुआ है। इसमें उपमन्यु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं उपस्थित साहित्यकारों ने दशहरे की शुभकामनाएं देकर रावण पर कविता सुनाई। वहीं वशिष्ठ अतिथि पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सोनी ने कहा कि हम सब अपने अंदर के रावण को निकालकर खुद पर विजय हासिल करें। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश चंद्र चोरे ने कहा कि ककस का हर कार्यक्रम लाजवाब होता है और ककस की गूंज पूरे नगर में होती है। बता दें, इस अवसर पर सभी को संस्थापक उपमन्यु द्वारा प्रतीक चिन्ह स्वरूप रुमाल भेंट किए गए हैं। संचालक भूपेंद्र मौर्य और आभार तारकेश्वर चोरे ने माना।